नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लोहरदगा नदिया हिंदू उच्च विद्यालय परिसर में इंटरनेशनल योग गुरु आचार्य अशोक जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल योग शिविर का समापन हुआ। योगाभ्यास पिछले 3 दिनों से कराया जा रहा था। योगा के प्रति शहर के जागरूक लोगों के बीच वैदिक अष्टांग योग संस्था द्वारा जागरूक करने का कार्य किया गया, जिसमें सूक्ष्म क्रिया आसन प्राणायाम के साथ शुकचला में क्रिया, नेत्र शक्ति विकाशक क्रिया, कपोल करण शक्ति वर्धक क्रिया, स्कंद शक्ति विकाशक कराए गए। आसन में मर्कटासन, वक्रासन, शशांक आसन, धनुरासन, भुजंगासन, ताड़ासन, वृक्षासन, नटराज आसन कराया गया और भस्त्रिका, कपालभाति, अलोम विलोम, ब्रह्माणी प्राणायाम आदि कराया गया, जिसमें काफ़ी लोग शामिल हुए और योग का लाभ उठाए और योग के विषय में योग गुरु के द्वारा बहुत तरह की जानकारियां भी दी गई, जिसको सुनकर लोग काफ़ी प्रभावित हुए। जगह जगह पर लोहरदगा के जगह जैसे यहाँ नदिया स्कूल में यहाँ पर रोहित जी और मुकेश जी सताई सब लोग जागरूक किए लोगों को इकट्ठा किए और मैं यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया, कुछ आसनों का अभ्यास कराया। अभी इसी तरीके से कचहरी मोड़ के पास में एक स्थान है, वहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर भी हम कुछ लोगों को योग सिखाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके। और अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, तो जो पूरा विश्व एक साथ मनाता है, और उस दिन सभी लोग घर से बाहर निकले, जहाँ भी योग जो प्रोटोकॉल होगा, जहाँ पर भी योग का अभ्यास होगा, वहाँ पर सभी लोग पहुँचे, परिवार के बच्चे, महिलाएँ, बुजुर्ग, और वहाँ पर जाकर सामूहिक रूप से योग करें, क्योंकि योग हमें सिखाता है स्वस्थ रहना, योग हमें सिखाता है लोगों का सहयोग करना, योग हमें सिखाता है लोगों से जुड़ना, लोग हमें एक तो योग करके व्यक्ति शरीर से, मन से और आत्मा से व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को योग से जुड़ना चाहिए। इसलिए योग का तैयारी हम लोग कर रहे हैं जगह जगह पर। लोहरदगा में हम लोग शिविर लगा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं और हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को 21 जून के लिए तैयार कर रहे हैं। 3 दिन का समापन हुआ, 3 दिवसीय यहाँ पर योग शिविर था, जिसमें हम लोगों को सूक्ष्म क्रियाएँ, आसन, प्राणायाम का अभ्यास कराएँ, कुछ हम लोग नेचुरोपैथी का भी टिप्स बताएं। तो यहाँ पर 3 दिन बहुत अच्छी संख्या रही, लोगों ने जागरूक किया, लोगों ने और को भी मैसेज किए, और अभी जहाँ पर जा रहे हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा संख्या वहाँ पर होंगे। तो इस तरह से तैयारी चल रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर क्लास 1-2 जगह होते हैं, पर वहाँ पर जागरूक कम है, पर हम लोग इस तरह से शिविर के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम आचार्य अशोक है और मैं लगभग 10-15 साल मैंने योग सिखाया है। मैं इस समय योग से PhD रिसर्च कर रहा हूँ और मैं इंटरनेशनल लेवल पर मैंने योग का काम किया है। मैं बाहर के देशों को भी मैं योग सिखाता हूँ ऑनलाइन के माध्यम से। तो जब भी मौका मिला, जैसे भी मौका मिला, तो मैं लोगों को योग के प्रति लोगों को जागरूक करता आ रहा हूँ और लोगों को सिखा रहा हूँ। हेल्थ के लिए, जैसे अगर किसी को माइग्रेन है तो वो कम से कम 3 महीना योग करे, उसका माइग्रेन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। किसी को साइनस है तो वो जल नीति करे, सटकर्म करे। तो योग में बहुत सारे ऐसे विधा है जिसका अभ्यास करके, कुछ नेचुरोपैथी है, कुछ खान पान का परहेज करके, वात पित्त कफ के अनुसार, और वो अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। विडाइम न्यूज़ के लिए लोहरदगा से आनंद कुमार सोनी की रिपोर्ट।